उक्त कहानी जो हम आपके सामने प्रसारित करने जा रहे हैं वह साक्ष्य और तथ्यों पर आधारित है। अगर कोई भी व्यक्ति इस विषय में कुछ भी बताना चाहे तो कृपा हमें ज़रूर बताएं, हम उसे भी प्रमुखता से छापेंगे। हमारा मकसद किसी की भी व्यक्तिगत भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि समाज में हो रहे बदलाव, कानूनों के हो रहे उपयोग और दुरुपयोग के बारे में बताना है। मैं जी तुहानूं दस देना चाहना वा कि मैं 5 बजे दा इत्थे इन्हां नूं दरखास्त दे के बंदा फड़ाया, बंदे ने रिवॉल्वर मेरे तों तार दित्ती, मैं उन्हूं नाल लैके इत्थे आया, हजे तक मैनूं देख लो आ 1:30 बज गया। 1:30 बजे तक पंजाब पुलिस ने परचा दर्ज नहीं किया है। मैनू कही जाते जी कर रहे हैं जी कर रहे हैं जी कर रहे हैं जी, सानू अब तो आर्डर का कहता, मैनू यह दस दिन कहता आर्डर तुम चाहिए है, कि आर्डर ने तुम मना किया है। 12 च जिवें कि खबर पढ़िया सब झूठियां ते बेबुनियाद हैं। काली स्कॉर्पियो दे विच मेजर सिंह ते उहदे 6 साथी ने आके और मैनू मारना कुटना शुरू कर दिता। तुसी देख रहे हो मेरे नक ते भी सट है और अख तुसी आ देख लो मेरी खून ना भरी गई। June 15, 2005 भारत के महामहिम राष्ट्रपति ने एक नए कानून को मंजूरी दी, RTI राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट। संसद भवन ने इसे पास किया क्योंकि जनता को ये जानने का हक है कि उसके गांव, शहर, कस्बों और देश में क्या हो रहा है। कानून अच्छा था लेकिन इसके क्या दुष्परिणाम निकलेंगे ये कभी किसी ने सोचा ना था। नमस्कार दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि मैं अपना स्टूडियो छोड़कर आज क्यों खड़ा हूँ। शहर में कुछ बातों से लेकर बवाल मचा है। आइए आपको एक दुकान दिखा रहा हूँ। ये एक दुकान है, यहाँ पर सिमर बैठा करते थे। ये वही सिमर हैं जो सिमरजीत के नाम से मशहूर हैं, RTI एक्टिविस्ट। थाना बारादरी में FIR दर्ज हुई है। लेकिन बात अब ये है कि बिजली की दुकान चलाने वाले के पास आज करोड़ों रुपया कहाँ से आ गया। चलता बाजार है, चलता शोर है। यहाँ बताया जा रहा है कि उनका ऑफिस भी था। अब सोचने वाली बात है कि जो व्यक्ति अपने पिता के साथ एक बिजली की दुकान पर बैठा करता था, वहाँ एक दुकान और थी इनकी। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा वो दिखाएं, वहाँ थी जहाँ पर वो मोबाइल रिपेयर का काम करते थे। अब एक मोबाइल रिपेयर करने वाले व्यक्ति के पास करोड़ों रुपया कैसे आ गया, क्या हो गया कि वह व्यक्ति रातों रात शहर में मशहूर हो गया। पिछले 5 सालों में तस्वीर बदली है, उसी तस्वीर को बदलने को लेकर हमारी प्रस्तुति है। जिहड़ा सिमरनजीत सिंह जिहड़ा अपने आप को एक बहुत ही छात्र दिमाग का मालक जिहड़ा अपने RTI स्पेशलिस्ट कहिंदा है, ये RTI का मिसयूज करके ये लोगों दी आटियां पा के लोगों को ब्लैकमेल करता। मैं प्रशासन रात कंप्लेट दे के FIR दर्ज कराई है। मैं तुहानू इहदे बारे दसना भी चाहना कुछ कि इहदी दुकान अज तो 6-7 साल पहला मतलब एक छोटी जी इलैक्ट्रीशियन की दुकान सी, इहनां दी इलैक्ट्रीशियन दुकान तो माड़ी माड़ी तार वेचदा सीगा। ये ब्लैकमेल कर करके अज इन्हें करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी बना ली है। वो कितों बना ली? वो सारे ही साढ़े जिले जलंधर के चंगे व्यापारी, चंगे प्रॉपर्टी के कारोबारी, या चंगा कोई दुकानदार आ जा मकान बनाता वो करता तो उन्होंने को लुट के बनाई। मैं सरकार को अपील करदा, प्रशासन को अपील करदा कि यदि सारी प्रॉपर्टी की यदि जी है इन्वेस्टिगेशन करके ये परचा दर्ज किया जाए। जिहड़ा RTI कानून मतलब एक सहूलत वास्ते बनाया गया सीगा, जिहड़ा सिमरनजीत सिंह ने इहनू मिसयूज़ किया, इहनू मिसयूज़ करके लोगों दीआं नाल दीआं कमलेटा पा के कमलेटा, मैं तो इत्थों जवाब भी मंग रहा कारपोरेशन नूं ते पुड्डा नूं, इहने किन्नियां कमलेटा पाईआं सी, किन्नियां दे इहदे राजीनामे होए, उन्हां मैनूं सारिआं दी उहनां दी कापीआं दित्तीआं जाण। ये इहनां दीआं अपलाई कीतीआं होईआं पर ये अनुमति दे नहीं रहे हैगे कि मैं कमिश्नर साहब पुलिस को भी तो कमिश्नर कारपोरेशन को भी तो पुड्डा के अफसरों भी कहना वा कि इन जिन्नी भी कंप्लेंटा जी आई ने उन्होंने सू सारे काफ़ी दी है ता कि असी लोगों बचाया जा सके ये चौंकों के चुनाव क्योंकि ये लोगों बहुत ज़्यादा ब्लैकमेल कर रहा है। मैं जी तुम दस देना चाहना वा कि मैं 5 बजे का इतने इन्हों दरखास्त दे के बंदा फड़ाया, बंदे ने रिवॉल्वर मेरे तो तार दी, मैं उन्होंने नाल लैके इतने आया, हजे तक मैनू देख लो आ 1:30 बज गया।
डेढ़ बजे तक पंजाब पुलिस ने परचा दर्ज नहीं किया है। मैनू कही जी कर रहे हैं जी, कर रहे हैं जी, कर रहे हैं जी, सू तो आर्डर कहता मैनू ये दस दिन कहता आर्डर तुम्हें चाहिए है, कि आर्डर ने तुम मना किया है। सिमरनजीत सिंह जिहड़ा आर टी आई अपने आप में स्पैशलिस्ट कहता है, उन्हें सारे जलंधर के कि आले दुआले के हुशियारपुर ला लो, फगवाड़ा ला लो, कपूरथला ला लो, इन सारे आर टी आई पा के लोगों को ब्लैकमेल करता है वा। तो अज तुसी अखबारां 'च जिवें कि खबरां पढ़ियां सब झूठियां ते बेबुनियाद हन। कल जदों मैं 5:30 बजे दे करीब डीसी दफ्तर दे सामने पुड्डा ऑफिस पहुँचिया, काली स्कॉर्पियो दे विच मेजर सिंह ते उहदे 6 साथी ने आके नाल ही मेरे लगा दित्ती और मैनू मारना कुटना शुरू कर दिता। तुसी देख रहे हो मेरे नक ते भी सट है और अख तुसी आ देख लो मेरी खून ना भरी हुई है। बाद विच जो कि सब नू पता है कि इन्हां दे उत्ते एक MLA साहब दा पूरा हाथ है और जिवें कि सारयां नू पता कि असी जग दीयां जिहड़ियां कुरीतियां ने उहनां नू उजागर करदे रहीदा, इस करके ये सारे भी मेरे खिलाफ हन। कोर्ट्स तों जस्टिस मिलेगा जे मैं जेकर एक गलत करा नहीं कीता, परमात्मा भी मेरे नाल है और दुध का दुध पानी का पानी होके रहेगा। जरूर बनाइए कानून, लेकिन पहले ये जानिए कितना उपयोग हो रहा है और कितना दुरुपयोग। जरूर डालिए RTI, कौन मना करता है, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट है, लेकिन इतनियां भी नहीं कि आपको हर जगह की हर शहर की सूचना चाहिए। जरूर सूचनाएं इकट्ठी कीजिए जो आपके फायदे की हों। जरूर कारोबार कीजिए, लेकिन इस तरह से नहीं कि सरकार को करोड़ों रुपए का चूना लग जाए। हम किसी को गलत नहीं कह रहे, लेकिन यहां पर हर चीज का दुरुपयोग हो रहा है। जरूर कीजिए राजपाश, हम ये नहीं कह रहे कि आप सरकार को कुछ ना बताएं, लेकिन इतना जरूर सोचिए कि हर चीज की एक हद होती है, पैसे कमाने की भी, कारोबार करने की भी, और RTI डालने की भी। हमारी छोटी सी पेशकश थी ताकि लोगों में एक जागरूकता आए। जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल की गई हर चीज खतरनाक हो जाती है। आपको हमारा कार्यक्रम कैसा लगा जरूर बताइए कमेंट बॉक्स में। हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि कुछ अगली नई सूचना के साथ, नए प्रोग्राम के साथ हम हाजिर हो सके। धन्यवाद।